नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान ने पूरे देश का माहौल गर्मा दिया, लेकिन नुपुर को सस्पेंड किए जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा। नुपुर के बयान के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे। प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा के पुतले को भी फांसी पर लटका दिया, जिसके बाद से ये विवाद और बढ़ गया। प्रदर्शन के बीच नुपुर के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना इंडस्ट्री के उन सेलेब्स में से एक हैं जो हमेशा ही देश के मुद्दों पर अपनी राय रखती। अब एक्ट्रेस ने इस मामले पर भी अपना रिएक्शन दिया। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं। एक पोस्ट में कंगना ने आमिर खान की फिल्म पीके का एक सीन शेयर किया, जिसमें शिवजी के रूप में एक कलाकार खड़ा है और उसके सामने आमिर खान खड़े। पोस्ट शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, यही वजह है कि मुझे हिंदू होने से बहुत प्यार है। कुछ ऐसी अप्रिय चीजें भी मेरे शिवम को परेशान नहीं करती, ना ही मेरे अध्यात्म और भरोसे को डिस्टर्ब करती। सिर्फ एक महिला ने गुस्से में कह दिया तो पूरे देश को सिर पर उठा लिया। कैसे लोग ये सब करते हैं, ये अलार्मिंग बर्ताव है। वही पुतले को लटकाए जाने वाली तस्वीर शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, ये डरावनी तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं है, भारत की है। शांति प्रिय लोग नुपुर के पुतले को लटका रहे। इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की थी। विवेक ने ट्वीट करते हुए लिखा था, माफ करना सभी मित्रों, लेकिन ये कोई ईरान, इराक या सीरिया नहीं, ये वर्तमान भारत है, ये आज का पुतला है। इस तरह के प्रदर्शनकारियों को अगर तुरंत सजा नहीं दी गई तो हकीकत में भी लोगों को इस तरह फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तो देखा आपने, कंगना रनौत ने जमकर इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी के साथ कंगना ने मुस्लिम कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि शांति प्रिय लोग नुपुर के पुतले को लटका रहे। बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हुए कहा था कि नुपुर को अपनी बात सबके सामने रखने का पूरा हक है, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी दी जा रही। जब हिंदू देवताओं का अपमान किया जाता है तो हम न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, और ये सभी के लिए होना चाहिए। अपने आप को डॉन समझने की कोशिश ना करें, ये अफगानिस्तान नहीं है। जो लोग भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूं कि हमारे पास एक अच्छी सरकार है जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा चुना गया है। भले ही नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन उन्हें लेकर कई लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा और ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे कंगना के बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।